नए बल्लेबाजी कोच ने ऋषभ पंत को चेताया, कहा लापरवाही और बेपरवाही में फर्क समझें। भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने मंगलवार को कहा कि टीम के युवाओं को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि वे बेपरवाह खेल और लापरवाह खेल के बीच अंतर है को समझें। यह संदेश विशेषकर ऋषभ पंत जैसे युवाओं को दिया गया है जिनकी लापरवाह क्रिकेट के लिए लगातार आलोचना होती रही है। राठौर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच की पूर्व संध्या पर कहा, अभी हम तकनीक पर जोर देते हैं, इस स्तर पर मानसिकता अहम होती है, अपनी रणनीति सही तरह से लागू करनी होती है। जहां तक ऋषभ का सवाल है, वह बेजोड़ खिलाड़ी है, उसे अपनी रणनीति को स्पष्ट करना होगा, उसे अपनी क्रिकेट में कुछ अनुशासन दिखाना होगा। उन्होंने कहा, सभी युवा खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि बेपरवाह क्रिकेट और लापरवाह क्रिकेट में अंतर होता है। टीम प्रबंधन जो आपको कह रहा है वह बेपरवाह यानी निडर होकर क्रिकेट खेलना है। आपकी स्पष्ट रणनीति और सोच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आप लापरवाह नहीं हो सकते हो। कप्तान विराट कोहली ने हाल में कहा था कि युवाओं को उच्च स्तर पर 5 से अधिक अवसरों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जिस पर राठौर टिप्पणी कर रहे थे। राठौर ने कहा, उन्होंने कोहली और मुख्य कोच रविवार शास्त्री 5 मैच कहा है, लेकिन कोई संख्या तय नहीं है। उनके कहने का मतलब था कि आपको मौकों का फायदा उठाना चाहिए। वे युवा इतनी अधिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बड़ा मसला है, टीम उनका पूरा समर्थन करेगी। पंत से की जा रही उम्मीदों के बारे में राठौर ने कहा, हम चाहते हैं कि वह नैसर्गिक शॉट खेले, इससे ही वह खास बनता है। वह प्रभाव छोड़ने वाला खिलाड़ी है, लेकिन इसके साथ ही लापरवाह नहीं हो सकते हो। मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर की मध्यक्रम में वापसी के बारे में उन्होंने कहा, ये दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रेयस ने वेस्ट इंडीज में अच्छा खेल दिखाया, मनीष पहले भी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल दिखाकर उसने वापसी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें बस अपने खेल में निरंतरता लाने की जरूरत है।